केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रदेश में पंजाबी भाषा को उचित मान सम्मान और इंसाफ मिलेगा। सिख समुदाय का प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज यानी बुधवार को श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में चांदनगर स्थित गुरुद्वारा यादगार में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष शीश नवाया और प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की। फेर के आगे रखिए जिते दिसे दरबार, मुहों के बोलन बोलिए जित सुनी धरे प्यार। अमृत वेला सच नऊ बड़ी आई विचार, कर्मी आवे कपड़ा नदरी माँ की दुआर। नानक एवं जानिए सभी आपे सचिवार। साहब सच्चा है, उसका नाम सच्चा है, गुणगान करते हैं लोग, मांगते हैं लोग, और दाता देता ही चला जाता है। फिर क्या किया जाए कि उसके दरबार के दर्शन हो। वो कौन से शब्द बोले जिसे सुनकर वो प्यार करे। गुरु नानक जी कहते हैं अमृत वेला में सत्य का ध्यान करो। कर्म से शरीर की प्राप्ति होती है और उसकी कृपा दृष्टि से मोक्ष का द्वार खुलता है। गुरु नानक जी साहब सब परमात्मा के लिए कहते हैं, और उन्हीं शब्दों में सारे भेद छिपे हुए हैं। उनके शब्दों में रस है और उनके दरबार में ही परमात्मा का निवास है। आज गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म जयंती पर मेरा सौभाग्य है कि मुझे सच्चे दरबार में मत्था टेकने का अवसर मिला। दरबार में अगर सिर झुकाने का मौका मिल जाए तो और कुछ रखने की जरूरत होती नहीं है। बस सिर झुकाते वक्त दिल में ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि सब उसी का है, बस भेंट स्वीकार हो गई, यही पर्याप्त होता है। इसी प्यारे दर्शन के संदेश वाहक महान संत, अद्वितीय धर्मरक्षक, वीर योद्धा और मानव समाज के उत्थान और नैतिक मूल्यों के सबसे बड़े प्रकाश पुंज गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म जयंती पर आप सभी को मेरा फिर से प्रणाम
बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी ने जो जयघोष दिया था उसमें बहुत बड़ा सार छिपा हुआ है। वाहे गुरु जी का खालसा, कई बार यहां से कहा गया, वाहे जी का फतेह। खालसा ईश्वर का है और ईश्वर की विजय सुनिश्चित है। यह दर्शन समझने का नहीं बल्कि जीने का मंत्र है। यहाँ अत्यंत गुणी जन बैठे हैं, आदरणीय महन जी यहाँ हैं, इसलिए मैं गुरु नानक जी की एक पंक्ति आज प्रकाश पर्व के मौके पर जरूर कहना चाहूंगा। मत बिच रतन जवाहर मणिक माणिक, जे एक गुरु की सीख सुनी। गुरु की जो एक सीख सुन लेता है तब उसकी मति माणिक जैसी हो जाती है। ये कही सुन लो और सब हीरा हो जाता है। समर्पण का जो भाव और गुरु के चरणों में श्रद्धा बस सभी तीर्थों का स्नान हो जाता है, ऐसा माना गया है। गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन भी ऐसा ही था। अध्यात्म, परोपकार, त्याग, गरीबों की सेवा, प्रेम, करुणा, एकता, सभी वर्गों में समानता, धर्म, देश की रक्षा और अत्याचार के खिलाफ मुखर होकर के उन्होंने जो लड़ाइयां लड़ी, जो कुर्बानी दी, वो हिंदुस्तान के इतिहास का स्वर्णाक्षर है और उसे यह देश कभी भुला नहीं सकता है। नवंबर में मुझे जम्मू विश्वविद्यालय में गुरु नानक देव चेयर के उद्घाटन समारोह पर जाने का अवसर मिला था। उस दिन भी गुरु गोविंद सिंह जी की याद आई थी। मैं बनारस के पास गाजीपुर का रहने वाला हूँ, वहां से मार्च 5 घंटे की दूरी पर पटना है, जहां गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक में गुरु जी ने लिखा है, मूर पिता पूरब की ऐसी पयाना। और पटना का जिक्र करते हुए आगे वो कहते हैं, तही प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर बिखे भाव लयो। जीवन के प्रारंभिक 6 वर्ष उन्होंने पटना में गुजारे। अभी कल कोई टेलीविजन में चैनल में देख रहा था, पटना साहिब में भी उत्सव मनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। पटना से वापस अब मैं जम्मू कश्मीर में आना चाहता हूं। इस मिट्टी के लिए जो बलिदान गुरु गोविंद सिंह जी ने और उनके महान पिता गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने किया है, उसका शब्दों में वर्णन करना निश्चित रूप से कठिन है।